मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी के आज से मांडू में प्रारंभ 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैठक रणनीति व प्रशिक्षण के नाम पर भाजपा का पर्यटन निरंतर जारी है। कभी पंचमढ़ी तो कभी रात पानी तो कभी महंगे होटल रिजॉर्ट और अब मांडू में आयोजित प्रशिक्षण शिविर सिर्फ पर्यटन के सिवाय कुछ नहीं है। सलूजा ने आगे कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में 180 लोगों को ही आमंत्रित किया गया है जिन्हें भाजपा 3 दिन तक अलग अलग सत्रों में प्रशिक्षण देगी। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि वास्तव में जिन लोगों को आज प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिनको वास्तव में प्रशिक्षण देना चाहिए, उन लोगों को तो आमंत्रित ही नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी का आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग मांडव में प्रारंभ हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, इस प्रशिक्षण में 180 लोगों को बुलाया गया और जिसमें जो वास्तविक जिनको प्रशिक्षण देना था, मंत्री, विधायक, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ दल बदल करने वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया, जबकि वास्तविक प्रशिक्षण की आवश्यकता तो इन्हीं को है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी पर्यटन के लिए जानी जाती है, अलग अलग स्थलों पर, कभी पचमढ़ी में, कभी राता पानी में, बैठकों के नाम पर पर्यटन होता है। अब पर्यटन जो हो रहा है वो मांडू में हो रहा है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के रोज उलझुल बयान आते हैं, रोज उल्टे सीधे बयान आते हैं, हंसी का पात्र बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, सांसदों के उल्टे सीधे बयान आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आए जो दल बदल करे हुए जो मंत्री आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके भी रोज उल्टे सीधे, कभी सरकार को कोसने वाले, सरकार के निर्णयों पर सवाल खड़े करने वाले बयान आते हैं। तो वास्तविक प्रशिक्षण तो इन लोगों को देने की आवश्यकता है कि जनता के बीच इनका व्यवहार कैसा हो, क्योंकि जनता के बीच इनके व्यवहार के भी आमतौर पर किस्से सामने आते रहते हैं। तो वास्तविक प्रशिक्षण इनको देना चाहिए था कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझ सके। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाते हैं तो प्रशिक्षण की आवश्यकता इनको थी, लेकिन इन्हीं को दूर रखा गया। समझा जा सकता है कि इस प्रशिक्षण जो शिविर है उसकी क्या, उसका क्या परिणाम सामने आएगा, क्योंकि जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है वो तो बुलाए नहीं गए, और ऐसे 180 लोग बुलाए गए हैं जिनका प्रशिक्षण से कोई वास्ता नहीं है। तो समझा जा सकता है कि ये प्रशिक्षण वर्ग सिर्फ एक पर्यटन है और पर्यटन के अलावा कुछ नहीं है।